श्रीमम की जय हो। वाली हैदराबाद दक्कन नवाब सलावत जंग बहादुर के बिरादरी अजीज नवाब निजाम अली और उनके साथ श्री शिवाजी जाधव पधार रहे। आने दो। आदाब। स्वागत है, पधारिए। शुक्रिया। हम शुक्रगुजार हैं कि निजाम साहब ने जंग या सुलह नहीं बल्कि दोस्ती करने का फैसला किया है। आप हमारे यहां आए, सुलह की कुछ शर्तें रखी। आपको मालूम है कि हमारे पेशवा माधव राव सुलह के खिलाफ हैं, लेकिन हम निजाम साहब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें संतोषजनक जवाब मिलेगा। आपने जो खुफिया पैगाम मुझे निजाम साहब की खिदमत पर भिजवाया, उसके पेश नजर आप पर भरोसा करते हुए वाली हैदराबाद दक्कन ने जंग बंद करने की जो शर्त रखी है वो आपको शिवजी जाधव पढ़कर सुनाएंगे। हुजूर निजाम आसिफ जाह उस नाजायज सुलहनामे को कबूल नहीं करते जो मरहूम सदाशिव भाव ने हमारे रियासत पर जबरदस्ती फौजी दबाव डालकर उदगीर में हम पर थोपा। वो सुलहनामा रद्द किया जाए और इसका ऐलान खुद पेशवा दरबार की तरफ से किया जाए। हमें ये शर्त मंजूर है। हमारे जिन इलाकों और किलों पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है हमें उन्हीं हालात में नए साजो सामान हथियार गोला बारूद लौटा दिए जाए। ये भी कर दिया जाएगा। जंग का जो हरजाना हमसे लिया गया है वो लौटाया जाए और इस जंग का हरजाना अदा किया जाए। आगे पढ़िए। रियासत हैदराबाद की सरहद से 100 कोस तक पेशवा फौज के जो किले हैं उन्हें आसिफ जाही फौज को सौंप दिया जाए ताकि आइंदा वहां से हमले की कार्रवाई न की जा सके। कहिए क्या कहना है आप लोगों का। हम लड़कर मानना पसंद करेंगे लेकिन यह आखिरी दो शर्तें नहीं मंजूर करेंगे। श्रीमंत क्षमा करें, श्रीमंत पेशवा जी महाराज का निजी दूत ये गुप्त संदेश लाया है। आपको फौरन देने का आदेश था इसीलिए आना पड़ा। जाओ। नवाब साहब बेअदबी की माफी, हमारे पेशवा जी महाराज ने हम सबको फौरन महल में तलब किया है। हमारे सरदार पुरेंद्र आपको हिफाजत से सरहद पार आपके लश्कर में पहुंचा देंगे। तो क्या पेशवा को हमारे यहाँ आने का पता चल गया। नहीं, जो हमने सोचा भी नहीं था वो हो गया। हम आपस में कुछ राज नहीं छुपाना चाहते, हम कुछ बात करना चाहते हैं। आप लोग जाइए, दरबार में भेंट होगी। श्रीमंत सही कहते हैं, मल्हारा होलकर अपने लश्कर के साथ पुणे आ गए हैं और महाजी सिंधिया भी आ रहे हैं, लेकिन इनके पास लश्कर कितना है। इस चिट्ठी के मुताबिक 30,000। नामुमकिन। माफी चाहूंगा, मैं उज्जैन और इंदौर होकर आया हूं। पानीपत में होलकर का लश्कर तबाह नहीं हुआ है। तलब किए जाने पर
मालवा के पठानों का पिंडारे लश्कर उनके साथ चलता है और महाज जी ने नए ढंग से तरबियत देकर एक ऐसी फौज खड़ी कर ली है जिसने राजपुताना से खिराज वसूल किया है। उनके पास तोपखाना भी है। हमारे और हमारे भतीजे पेशवा माधवराव के बीच एक जंग चल रही है जिससे निजाम हैदराबाद बखूबी वाकिफ है। आज हमारा पलड़ा भारी है और हमारे साथ जो सेनापति हैं वो आपने देखे, लेकिन होलकर के बाद अगर महाजी सिंधिया भी आ गया तो हमारी ताकत कम हो जाएगी। पेशवा कभी सुलह नहीं करेंगे। हमसे सुलह करके आज बिना लड़े जो आपको मिल सकता है, किले और वो इलाके जो सदाशिव भाऊ ने लिए, फिर नहीं मिलेंगे। हमें ये सुलह मंजूर नहीं। हम दो दिन में पुणे ले सकते हैं, फिर सारा महाराष्ट्र। अब नहीं, आपने अगर और देर की तो आपको दोस्ती भी नहीं मिलेगी जो हम दे रहे हैं। आपने अगर समझौता कर लिया तो हम वादा करते हैं कि हम आपकी रियासत की तरफ देखेंगे तक नहीं। नहीं किया तो पेशवा माधवराव जो सुलह चाहते ही नहीं हैं, जंग जरूर करेंगे। हम तो सिर्फ 5 साल के लिए पेशवा हैं। सही कहते हैं हुजूर, मुझे सिंधिया को तोड़ने के लिए भेजा गया था, नहीं टूटे। महाजी सिंधिया को तो ये तक याद है कि हमारे पुरखे आज से 50 साल पहले आपकी खिदमत में आए। उनके सीने में गुस्सा नहीं, आग है, आग। और अगर उनका पुणे में दखल हो गया तो आपको जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। देख लीजिए, आपको आप ही का वापस मिल रहा है। अगर आपने हमारे इलाके लेने की कोशिश की तो हमारे वहां बैठे सरदार पेशवा की तरफ हो जाएंगे और उत्तर से सिंधिया होलकर के आने के बाद दक्खन का तो पासा ही पलट जाएगा। दरबार जाना है, मैं तैयार हो जाऊं, साथ निकलेंगे। श्रीमंत रघुनाथ राव महाजी को सूबेदार बनने नहीं देंगे और होलकर का भी पत्ता काट रहे हैं क्योंकि वो खुद पेशवा बनना चाहते हैं। इस वक्त अगर आप उनसे सुलह कर लेंगे तो वो अपनों की तरफ नहीं आपकी तरफ देखेंगे और फिर जवान नस्लों में तो सिर्फ 3 ही हैं, माधवराव, नाना फडणवीस और महाजी सिंह। इन्हें उभरने से रोक दिया गया तो मराठा ताकत को तो आप अपने आप में खत्म ही समझिए। दुरुस्त, हुजूर नवाब साहब की तरफ से हमें पूरे अख्तियारात हैं। सुलह में सौदेबाजी करें जो हमने करके देखी, सुलह कर लेते हैं। आइए,